नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और आज 4 सितंबर है और 4 दिन के बाद आपका CGL TR1 का एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो उनके लिए है कि अपना यूट्यूब से ज्यादा दूर रहिएगा, क्योंकि बहुत कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है अब तो पेपर के टाइम। तो ये सब चीजों से दूर रहिएगा, अपना मतलब डिविजन पर फोकस करिएगा। मॉक आप मत दीजिएगा, मतलब लाइव मॉक बिल्कुल मत दीजिएगा। और PVS या देना हो तो आप दे सकते हैं, लेकिन ना दीजिएगा आप कोई मॉक। वैसे आप मॉक बहुत दे चुके होंगे अभी तक, तो ठीक है। तो जिनका एग्जाम है अपना 9 तारीख को, आराम से दीजिएगा जाकर, ठीक है। और तो आज 4 तारीख है और मैंने पिछले 2 मॉक 3 मॉक दिए हैं। RB को लाइव मॉक आया था, वो दिया था। और अभी परमार सर ने भी अपना लाइव मॉक दिया है। हालांकि मैं उनसे पढ़ता नहीं हूँ, मतलब GS में वो इंग्लिश में पढ़ाते हैं तो मुझे थोड़ा सा कम समझ में आता है। एक दो वीडियो देखी थी पर थोड़ा सा कम समझ में आया तो मैं थोड़ा सा हट गया। तो उन्होंने भी मॉक दिया था, लेकिन मॉक तो सबके लिए है, तो उनका मॉक भी मैंने दिया है। अच्छा मॉक था, और RB के जैसे मॉक बनाते थे वो बनाए हैं, वो भी मतलब अच्छे लेवल का मॉक बनाए हैं, ठीक है। तो उन दोनों मेरा स्कोर क्या है। और एक मैंने PIP दिया था, मेंस CSL मेंस मैंने नहीं दिया है। जो Tier 2 का मंडेक देते हैं वो मैंने स्किप कर दिया है, मतलब उसको सबमिट कर दिया है मैंने, ताकि मैं कभी रिव्यू देख सकूँ उसको, मतलब एनालिसिस कर सकूँ। लेकिन उसको मैंने दिया नहीं है, क्योंकि प्री का टाइम चल रहा है तो थोड़ा सा प्री पे ज्यादा फोकस है, उसको 2 घंटा मैंने नहीं दिया, ठीक है। तो ये चीजें हैं। आइए देखते हैं कि मेरा स्कोर क्या है। पहले हम देखेंगे कि एक PYP मॉक मैंने दिया था, उसको भी दिखा दूंगा। और मतलब PYP मॉक तो मैं देता रहता हूँ हमेशा, लेकिन दिखा दूंगा कि मेरा PYP में जो एवरेज है चल रहा है 155-160 चल रहा है, ठीक है। तो चल के देखते हैं बिना बकवास के। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि मेरा PYP में स्कोर क्या है। मैं खोल रखा है ताकि समय ज्यादा ना हो। और ये मैंने दिया था, मतलब 2 सितंबर को दिया था, लास्ट मैंने यही दिया था। और ठीक है, तो ये मॉक जो मैंने दिया था, तो भाई देखते हैं कि मेरा स्कोर क्या है। और तो इसमें मेरा स्कोर जो बना है वो टोटल 164 बना है, और मेरी परसेंटाइल 98 है। मेरी रैंक 25 से 60 है, लगभग 1,27,000 लड़कों में। और जनरल इंटेलिजेंस मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया है, 47.5 है, और इजी क्वेश्चन गलत हुआ है। और क्वांटिटी ऑप्टन मेरा 50 है, आउट ऑफ 50 है, बहुत इजी मॉक। मतलब क्वांटिटी ऑप्टन में मैंने जो 18 मिनट दे दिया है, एक क्वेश्चन में मैंने 5 मिनट दिया हुआ है, ठीक है। तो इसकी वजह से 18 मिनट, नहीं तो 14 मिनट में मैंने लगभग क्वांटिटी ऑप्टन कर दिया था, इस चक्कर में लेट हो गया, ठीक है। हाँ जी, जो रीजनिंग थी वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव थी, और जो इंग्लिश थी वो भी इजी थी, और जनरल अवेयरनेस में 20-22 नंबर मैंने, मेरा मतलब एवरेज है कितना आता है, ठीक है। तो ओवरऑल मेरा स्कोर ये है 160। जब इसमें 30+ हो जाता है तो यही मेरा स्कोर 170+ चला जाता है, ठीक है। तो ये मेरा स्कोर है। और इसमें आपका स्कोर क्या रहा जरूर बताइएगा, क्योंकि ये मॉक जो है, ये मॉक कब का है, SSC CGL TR1 का पेपर है, जो 25 जुलाई 2023 को Shift 3 का पेपर है। अगर आप चाहे तो दे सकते हैं और अपना स्कोर बता सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा, अब हम चलते हैं कि RB वाले मेरा स्कोर क्या रहा, ठीक है। पहले मैंने खोल रखा है ताकि समय वीडियो लंबी ना हो, और किसी के पास समय नहीं है इतना, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि मेरा स्कोर क्या रहा। तो RB वाले लाइव मॉक में मेरा स्कोर 172 रहा है, ये अच्छा स्कोर है। और मैंने सच में बताऊं तो इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना स्कोर आ जाएगा मेरा। जब मॉक दिया था मैंने 160 मैंने एक्सपेक्ट किया था, उसके कारण मेरा मॉक में अच्छा स्कोर आने का कारण ये है। और जो जनरल अवेयरनेस है इसमें मेरा 34 नंबर है, और मैं इसमें 25 लेके चलता हूँ अपना एवरेज, ठीक है। तो इसकी वजह से वो 10 नंबर एक्स्ट्रा 172 हो गया, ठीक है। तो ये कभी कभी का है, और मतलब कई बार 170+ आ चुके हैं मेरे, लेकिन ये रेयर केसेज है, ठीक है। तो इसको नजरअंदाज करिएगा। और ये मेरे रैंक 597 है, 28,600, परसेंटाइल 97 है। और जो GL रीजनिंग में मेरे स्कोर है 45 है, जहाँ हालांकि 2 क्वेश्चन मेरा गलत है, मुझे अभी मैंने एनालिसिस इसका नहीं किया है कि मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत है। और क्वांटिटी ऑफ रीडिंग में मेरे 24, मतलब कि एक मैंने 24 किया था, 1 क्वेश्चन मेरा गलत है। और जनरल अवेयरनेस में मैंने 22 किया था, 18 से 4 गलत है। इंग्लिश कम्प्रिहेंशन में मेरे 1 क्वेश्चन गलत है। इंग्लिश कम्प्रिहेंशन इसका इजी था, और इसमें मेरा 47.5 नंबर आने का सबसे मुख्य कारण जो था वो था कि इसमें मैंने जो क्लोज टेस्ट था इसका वो पढ़ा आया था, मतलब किसी मौके में दे चुका था, सब कोई दे चुका होगा वो वाला, ठीक है। तो ये कारण था कि इसमें मेरे इंग्लिश में थोड़ा ज्यादा नंबर आ गए, नहीं तो मेरा जो एवरेज है 40-45-45 ऐसा रहता है, 47.5 मेरा बहुत रेयर है जाता है, ठीक है। तो ये मेरा स्कोर है 172, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि हम उनका परमार सर वाले में क्या है, परमार सर वाले में क्या है। अगर आप चाहते हैं कि ये स्कोर, मतलब आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें हम लोग मॉक और आपस में सब शेयर करते हैं, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, मॉक स्कोर भी शेयर करते हैं अपना, मतलब कि डाउट भी क्लियर करते हैं। तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहां से जाकर सीधे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं सीधे प्रमाण वाले में कि मेरा स्कोर क्या है, ठीक है। तो
एक मिनट आप स्किप कर सकते हैं, वैसे तुरंत हो जाएगा। और ये देखें, ये मेरा स्कोर जो है इसमें परमा वाले में 153 है, और इसमें थोड़ा सा स्कोर मेरा डाउन रहा है, लेकिन परसेंटाइल 96 है, मतलब अच्छा परसेंटाइल है। और इसके बाद समझ लीजिए कि जो एक्यूरेसी 87% है, जीएस में सॉरी रीजनिंग में मेरा 43 नंबर है, और 24 मैंने मतलब अटेंड किया था, 22 से दो गलत हैं, पता नहीं एक मुझे जो नहीं आया था, मतलब थोड़ा सा मुझे समय कम पड़ गया। मैंने मैथ में 31 मिनट दे दिए हैं, और इसका जो मैथ में 31 मिनट देने के कारण है कि हिंदी में सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन गलत था, 8 की जगह 28, इंग्लिश में 28 दिया था, हिंदी में 8 दिया था। जाहिर सी बात है इंग्लिश का मान होगा क्योंकि पहले पेपर इंग्लिश का बनता है, ठीक है। तो ये मेरा स्कोर है, रीजनिंग में 43 नंबर, जीएस में 27 नंबर, और इसमें लाए जा सकते हैं क्योंकि जीएस इसकी ईजी थी। क्वांटिटी एप्टीट्यूड में 43 नंबर, 10.5 नंबर है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड बढ़िया लेवल की थी। क्वांटिटी एप्टीट्यूड को छोड़ दें तो पेपर ईजी टू मॉडरेट था, बाकी क्वांटिटी एप्टीट्यूड मॉडरेट टू हार्ड, ठीक है। तो ये पेपर रहा टोटल, इसमें मेरी रैंक 917 है, तो ये तीनों में मेरा स्कोर रहा है। आपका तीनों में स्कोर क्या रहा है जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।